रेंजर आ गई है इमरान खान को पकड़ने के लिए। ये इस वक्त खान साहब के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, खान साहब को मार रहे हैं और आई डोंट नो कि इन्होंने खान साहब के साथ क्या कर दिया है, खान साहब के साथ इन्होंने कुछ कर दिया है। किसके लिए पीट रहे अरसे से कि हम इसको फॉलो करें, लेकिन ये जो नून लीग जिसकी कोई हैसियत ही नहीं पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड में, जिसकी ये स्प्रे कर रहे हैं जिस तरह का दहशतगर्दी की है, रियासत में आ गए, पांच रोडों में खड़े हैं, बीमारी की हालत में आए, व्हील चेयर में आया खान, इन्होंने चर्चा भी। अभी खबर आई है इस्लामाबाद से कि चेयरमैन इमरान खान हमारे लीडर को अरेस्ट कर लिया। सारे पाकिस्तान को है कि रेडी हो जाएं, अपनी अपनी यूनियन काउंसिल्स में निकलना है और भरपूर एहतजाज होगा। ये बदमाशी फैसल नसीर या किसी की भी है वो नहीं चलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेल हेयरिंग थी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेक श्योर करना चाहिए था कि कोर्ट का तकद्दस और उसको ना पमाल किया जाता। इनको चाहिए था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस पर फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए और फौरन समन करना चाहिए कि एक बंदा बेल करवाने हाई कोर्ट आया हुआ है, बायोमेट्रिक करवा रहा था, आपने कैसे उसको अरेस्ट किया? मेहरबानी करें, ये देखें, ये हमारा भाई नहीं जी, और खान साहब के ऊपर भी उन्होंने टॉर्चर किया है, तशद्दुद किया है, रेंजर्स ने कब्जा कर लिया, रेंजर्स ने इधर सारा कब्जा कर लिया है और खान साहब को फट गया और अरेस्ट कर लिया है खान साहब को। के गार्ड्स है जी, इनको मारा गया है और इन क्या हमने उनको बोला पीछे हो जाओ भाई, धक्के न दो। उसके बाद उन्होंने फौरन हमारे एक दो लड़कों को डंडे मारे जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये खान साहब के ऊपर गिर गया, खान साहब को अंदर लेकर इन्होंने उधर खान साहब को मारा इन्होंने और खुद ही तोड़ फोड़ किया। बस दूर से फुटेज बनाएंगे, आपको क्यों हम खराब करेंगे, आप बेफिक्र हैं।